जय जिनेंद्र बंधुओं, आज है 12 दिसंबर और आप लोगों को पता ही है कि रामप्रस वैशाली में जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक चल रहा था 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, वो पूरा संपन्न हो गया है। और आज यहाँ पर मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज पधारे हैं, जिन्होंने पारस धाम को अपना आशीर्वाद दिया, वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से इसी वीडियो में सुनेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं यहाँ की कमेटी के मनोज भाई हैं, अपने सतीश जी हैं, इन्होंने बहुत ही कर्मठता से अपना दिन रात एक किया और इस भव्य पंचकल्याणक को ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मनोज जी, जैसे कि आप मुझे बता भी रहे थे अभी कि इतने सारे फ़ोन आ रहे थे लोगों के और दूर दूर से लोग जैन शरावक आए, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी कि मतलब आउट ऑफ दिल्ली भी लोग आए यहाँ पर पंचकल्याणक में सम्मिलित होने के लिए। तो उस विषय में बताएं कि कैसा रहा अनुभव आपका? राहुल भाई, पहले तो मैं आपको जय जनंद करता हूँ, पूरे समाज को जय जनंद करता हूँ और विशेष रूप से आपके चैनल नमोकार मंत्र की इस बार हमने अच्छी तरीके से महिमा देखी। जैसे आप कह रहे हैं कि दूर दूर से लोग आए, वो सब आप ही की मेहरबानी से रहे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हम लोगों का प्रचार प्रसार किया, उससे लोगों तक समय समय पर सूचनाएँ जाती रहीं और लोग जुड़ते रहे। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि जैसे आपके सदस्य भी कह रहे थे आपकी टीम के कि भाई साहब, हम तो परेशान हो रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। परंतु हमारा जो सुरुज सागर महाराज जी के सानिध्य में जो पंचकल्याणक हुआ, उन्होंने ही आप लोगों का नाम सुझाया था और उसका आपने चितार्थ कर दिया। बिल्कुल, हमारा महाराज जी यहाँ से ऐसे प्रसन्न होके गए हैं, जाना नहीं चाहते थे परंतु उनका समय पाबंद थे तो चले गए। परंतु हमारा पंचकल्याणक बहुत ही भव्य हुआ, महाराज जी का आशीर्वाद बरसा, ऊपर से प्रभु का बहुत ही इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, बिना किसी विधन के सारा पंचकल्याणक संपन्न हुआ। सारे कमेटी वाले तकरीबन पूजा पाठ में लगे हुए थे, 3-4 जनों के हाथ में व्यवस्था थी, उन लोगों ने अपना कर्तव्य बहुत बढ़िया तरीके से निभाया, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं इस चीज़ के लिए चाहता हूँ कि आप भविष्य में भी आप हमसे जुड़े रहें। बिल्कुल। और सारा वैशाली जैन समाज कुछ अलग ऊर्जा के साथ हम लोगों से जुड़ा हुआ था, कि जैसे कि भाई हम लोग रामप्रस्थ ग्रीन जैन समाज के हैं, परंतु उन लोगों ने भी हम लोगों का बहुत सारा साथ दिया, आए महाराज जी के पास बैठे पंचकल्याणक में, पूरा हमारी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ रही और बहुत ही आनंद रहा जी। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखो, मैं दोस्तों सतीश जी की बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा, मनोज जी ने प्रचार प्रसार का ये हमें श्रेय दे रहे हैं, मैं नहीं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी दिन रात सारी जितनी भी वीडियो क्लिप चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट हो रही थी, ये भी ग्रुप में प्रसारित कर रहे थे। और सतीश जी ने जितनी प्रबंध समिति की व्यवस्था हो सकती थी, लोगों के खाने की, रुकने की, कहीं से कहीं तक कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से शायद ही कोई बंदा कोई रूट के गया हो और सभी बहुत खुश रहे। और सतीश जी, मैं जानना चाहूँगा कितना कर्मठता से आपको लगना पड़ा और कितने महीनों पहले से तैयारियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपसे तकरीबन 2 महीने पहले बात हुई थी मेरी और तब से आपने कहा था राहुल जी इस काम को करना है और पूरा प्रचार प्रसार शुरू हो गया था तब से। तो मैं जानना चाहूँगा क्या इस बार आपका अनुभव रहा? ऐसा है राहुल भाई, पहले तो आपका धन्यवाद मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि आपने हमारा कार्य बड़ी ढंग से और तरीके से करके दिखाया जी। ऐसा ही इसके लिए तकरीबन हमारे को 2.5 महीने से हम इसमें पूरे इस तरीके से लगे हुए थे कि शायद मैं पिछले 2.5 महीने से दुकान नहीं गया जी। जी जी, इसी कार्य के लिए लगे हुए थे हम लोग, लेकिन हमारा कार्य फलीभूत हो गया कि हमारा पंचकाणक बहुत अच्छे से हुआ जी। इस पंचकाणक को एक तो आप कह सकते व्यवस्थित अनुशासन के अंदर, जहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कतें नहीं हुई और बहुत भव्य, जिसके लिए लोगों ने यहाँ तक कहा कि ऐसा भव्य पंचकाणक हमने काफ़ी दिन से नहीं देखा। और यहाँ पर जैसे भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति की गई नमोकार मंत्र भजन पे, हाँ। मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए जो शायद लोगों ने नहीं देखे पंचकल्याणक में। तो उसका उसके मतलब विषय में कैसे चर्चा बनी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम ये रहेगा, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी हुआ, तो उस विषय में थोड़ा बताएं आप। ऐसा क्या है कि देखो, कुछ कार्यक्रम तो हमारे निश्चित होते हैं पंचकल्याणक में, जो हमें अपनी क्रियाओं के हिसाब से दिखाने होते हैं, लेकिन कुछ जैसे हमारे को समय मिला उसके हिसाब से हमने इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन, क्योंकि हमारी बड़ी एक नाम जानी पहचानी एक नाम है अनामिका अंबर जी और सौरभ सुमन, उनके माध्यम से हमने कराया, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आया। रात को 11 उस टाइम में रात को 12 बजे तक लोगों का बैठना, ये दर्शाता है कि कितना अच्छा ठंड के समय पर, जबकि सुबह 6 बजे उठ के उन्हें फिर आना है, उसके बावजूद वो लोग बैठे रहे, तो ये दर्शाता है कि कभी सम्मेलन लोगों को बहुत ही पसंद आया जी। और हमने भरतनाट्यम की नाटिका भी दिखाई और भी कई चीज़ें ऐसी थी जो दिखाई गई, सम्मोषण तो हमारे यहाँ परंपरा का अनुरूप है, वो दिखाना ही होता है, सब चीज़ थी जी, जी। लेकिन इस पंचकाणक को आप एक ऐतिहासिक पंचकाणक के रूप में कह सकते हैं, लोग इसको याद रखेंगे कि ऐसा पंचकाणक रामप्रस्थ ग्रीन वैशाली के अंदर हुआ।
और दोस्तों जब भी आपका मन करे, नमोकार चैनल की विशेषता यही है कि आपका जब मन करे आप कोई भी कार्यक्रम हमारे चैनल के माध्यम से कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। अब मिलते हैं श्रीयान जैन प्रधान हैं जो हमारे और बहुत अच्छे एक अभिनय भी हैं। तो सबसे पहले श्रीयान जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी कवरेज की गई जन कल्याण के दिन घट यात्रा, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नमोकार मंच के चैनल के द्वारा सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों ने एक रामप्रस ग्रीन में एक सपना देख रखा था, बहुत इच्छा थी कि यहाँ पे एक हमारे यहाँ मंदिर बने और धीरे धीरे शने शने हम लोगों के कुछ भगवान ने सुनी और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी और इस माध्यम के द्वारा श्री सुसागर महाराज के द्वारा यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। ड्रोन लगाया था, उससे एरियल व्यू के द्वारा सारी चीज़ें इतनी अच्छी देखने को मिली जो सामने बैठ के शायद इतना देखने को नहीं मिल पाती है। एक एक चीज़ एक एक वो देखने को मिला, उसके लिए मैं नमोकार मंत्र का बहुत धन्यवाद देता हूँ।